जब वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे थे, तो अंबेडकर क्या चाह रहे थे कि आरपीआई एक ऐसा कार्यक्रम भी पेश किया आरपीआई का अंबेडकर ने, जिसमें जाति की धारणा, वर्ग की धारणा के पीछे ओझल हो गई थी, ताकि यह पार्टी उन सभी तबकों के एक संघ के रूप में अपनी पहचान बना सके जो अपनी सामाजिक हैसियत के कारण अन्याय के शिकार हैं, चाहे वे दलित हों, ओबीसी हों या आदिवासी, जिसे हम आज बहुजन तबका कहते हैं। ओबीसी वर्ग में एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की गई कि अंबेडकर केवल दलितों के लिए, तो ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं। बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैं अक्सर ये बात करते देखता हूं कि अंबेडकर को वो स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि अंबेडकर यहां एक एका की बात करते हैं। पार्टी के संविधान में, आरपीआई के संविधान में लिखा गया कि भारत की दबी कुचली जनता, खास तौर से बौद्धों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों को संगठित करना पार्टी का उद्देश्य होगा। क्रिस्टोफर लिखते हैं 100 पेज नंबर 108 पे, और आप कहते हैं कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। मंडल कमीशन किस आधार पर गठित हुआ था? क्या ओबीसी के लिए संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने यह एक क्लॉज नहीं जोड़ा कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ज्यादा वंचित है, इसलिए आने वाले वक्त में पिछड़े वर्ग को संगठित करके उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसके लिए कालेलकर कमेटी बनी। बीपी मंडल ने जिस काम को बखूबी किया, और ओबीसी तबका केवल अंबेडकर की उपेक्षा नहीं करता, ओबीसी तबका बीपी मंडल को नहीं जानता, ओबीसी तबके ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी, प्रकाशित तक नहीं होने दी गई, और मंडल कमीशन जो कि एक मुकम्मल दस्तावेज है इस राष्ट्र को चलाने के लिए, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय केवल जातियों की बात नहीं है कि आप आरक्षण की बहस करके अंबेडकर को एक जगह खांचे में कैद कर दें, आप ओबीसी एससी एसटी की पूरी पॉलिटिक्स को, बहुजन पॉलिटिक्स को केवल आरक्षण की बहस करें, नहीं भाई, आरक्षण नहीं, सामाजिक न्याय का अर्थ है आर्थिक न्याय, भूमि सुधार। अंबेडकर बार बार आरपीआई के संविधान में लिखते हैं कि भूमि सुधार जरूरी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, भूमि सुधार की बात है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आर्थिक तमाम सुविधाएं और प्राइवेटाइजेशन का विरोध, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद अंबेडकर रच के गए थे। और आप आरएसएस के उसी सामाजिक न्याय वर्सेस सामाजिक समरसता के चक्रव्यूह में फंसते हैं कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया अंबेडकर ने। अंबेडकर की पूरी वैचारिकी वंचितों शोषितों की एका पर निर्भर है। अंबेडकर की मजदूर की जो बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, आप उसे कहां रखेंगे? अंबेडकर किसानों की बात करते हैं, अंबेडकर महिलाओं की बात करते हैं, तो यही तो है बहुजन एका। जिस 85% की बात 90% करके बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट, धन आर्थिक, धरती लैंड रिफॉर्म और राजपाट पॉलिटिक्स, ये है आपकी लड़ाई। तो अंबेडकर को हमने नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, या अंबेडकर का कुपाठ किया, और इसके पीछे पूरा ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा जमाए एक बहुत बड़े प्रभु वर्ग की साजिश है। अंबेडकर को पाठ्यक्रमों से दूर रखना, अंबेडकर को राष्ट्र निर्माण के नायक से बनाए की छवि से दूर रखना, अंबेडकर को दलितों का मसीहा, आरक्षण का मसीहा कहा जाना, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग नेहरू से लड़ते थे, धर्म के मानने वाले लोग, और क्या क्या इनके विचार हैं नारी को लेकर के। जब कांग्रेस कांग्रेस में विचार आता था तो बाल गंगाधर तिलक धमकी देते हैं, हिंदू कोर्ट बिल पर राजेंद्र प्रसाद धमकी देते हैं नेहरू को, और इसी हिंदू कोर्ट बिल पर अंबेडकर इस्तीफा देते हैं। अंबेडकर ने जाति के नाम पर इस्तीफा दिया था क्या? आप केवल अंबेडकर को जाति का नेता? तो दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में दो बातें कभी नहीं दिखेंगी। नंबर एक, कोई भी मुल्क अपनी सबसे बुनियादी चुनौती को उपेक्षित नहीं करेगा। अमेरिका ने नस्लवाद को
उपेक्षित किया तो गृह युद्ध झेलना पड़ा और गृह युद्ध के बाद अमेरिका बदला। व्हाइट हाउस का नाम भले न बदल पाया हो लेकिन व्हाइट हाउस में ब्लैक बैठा, अमेरिका का पूरा तंत्र बदल गया और ब्लैक्स के लिए लड़ाई लड़ने की अगुवाई और आगे आगे सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने में व्हाइट्स आगे थे। नस्ल भेद को यूरोपियन कंट्रीज में लड़ करके मिटाया गया, हमारे यहां जाति को छिपाया गया और आज भी आज के दिन अपने वॉल टटोलिए, लेखों को खोजिए और खोजिए कि वे कौन घातक लोग हैं जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जातियां बनी रहें, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जातियों के बीच एक आपस में रिश्ता बना रहे और सारे ये जातिवादी लोग आपकी थाली में आपके साथ बैठ करके खाने के दम्ब भरेंगे कि हम तो जाति नहीं मानते, हम तो छुआछूत नहीं मानते, हम हर जाति के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे दोस्त फला फला जाति के हैं, हम समरसता की बात करते हैं, तो क्या जाति यही है? आपकी समझ में खोट है। ये गोलवलकर हेडगवार के वारिस, समरसता के वारिस, ये जातियां इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि जातियों के वर्चस्व पर इनका हेजमनी कायम रहे। और अंबेडकर और सामाजिक न्याय चाहता है जाति उन्मूलन, जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है तो जाति को खत्म किए बिना एक देश आगे नहीं बढ़ेगा और इस जाति को संरक्षित करता है धर्म, इसलिए धार्मिक कर्मकांड और रूढ़िवाद को खत्म किए बिना नहीं आगे बढ़ेगा। भारत देश ने क्या किया, धार्मिक कर्मकांडों को, अपने देश की सबसे बुनियादी समस्या जाति को पर्दे के नीचे रखा, इसलिए आज भी यह समावेशी विकास की प्रक्रिया में नहीं बढ़ रहा है। आज भी दलितों के साथ सबसे ज्यादा हत्याएं, बलात्कार, चोरी और न्याय प्रक्रिया में सबसे ज्यादा धोखा, ग्राउंड से लेकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू, जो प्रोफेसर यह दावा करता है ना कि जाति नहीं मानता सबको पढ़ाता है, वो इंटरव्यू में दलित पिछड़े आदिवासियों के नंबर काटता है, क्या यह शोध में आएगा? क्या ये अखबार में खबर छपेगी? नहीं छपेगी। मीडिया में कौन कब्जा किया हुआ है, न्यायपालिका में कौन कब्जा किया हुआ है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में कौन लोग बैठे हुए हैं, देश कौन चला रहा है? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अंबेडकर को दलितों का नेता बनाया गया, बाबू जगदेव प्रसाद को, ललई यादव को, रामस्वरूप वर्मा को, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, कांशी राम को, लोहिया को, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को कभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि अगर ये लोग सिलेबस में आ जाते, अंबेडकर घर घर पहुंच जाते तो रामायण कौन देखता, तो फिर समरसता की बात कौन करता? और ये जो चुनौती देता है वर्ण, वर्ग और जेंडर को लेकर के, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनता, फिर हिंदू राष्ट्र का दंभ 2020 में कैसे भरा जाता, हिंदू राष्ट्र के नाम पर चुनाव कैसे जीते जाते? क्योंकि ये सारे पेरियार, फूले, अंबेडकर, बिरसा और रामस्वरूप वर्मा से लेकर के जगदेव प्रसाद, इन लोगों ने भारत की बुनियादी समस्याओं को चुनौती दी थी, इसीलिए अंबेडकर और इन सारे सामाजिक न्याय को हाशिए पर रखा गया। इसलिए अब जाति का शोषण बदल गया है, अब जातिवाद में छुआछूत नहीं होता, इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं और आपको देश चलाने के संस्थानों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इसलिए भारत दुनिया का सबसे अनूठा देश है जिसने अपने बुनियादी समस्याओं पर पर्दा डाला और आज भी एक जातिवादी, पितृसत्ता का सामंती, कर्मकांडी और आडंबरी देश बना हुआ है। जातिवाद महीन हो गया, बारीक हो गया, इंटरव्यू में नंबर काटा जाना और न्यायपालिका में दलितों को न्याय न मिलना, आदिवासियों की जमीन की बेदखली का मामला, बहुजन तबके की महिलाओं की हर तरह से हक हकूक के छीनने का मामला, ये सारी चीजें वंचित रखी गई। इसलिए अंबेडकर को एक हाथ में संविधान लगा करके सीमित कर दिया गया, दलितों का नेता माना गया और पिछड़े तबके के लोगों को अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। पिछड़े तबके के लोग फूले को नहीं मानते, पेरियार को नहीं पढ़ पाए, बीपी मंडल और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाए, तो ओबीसी के लोगों कम से कम अंबेडकर को पढ़ो और अंबेडकर के साथ बीपी मंडल की बनाई हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखो, घर घर पहुंचाओ, तुम्हारे लिए यही रामायण है। रामचरितमानस और महाभारत का पाठ आपके लिए नहीं है, आपके लिए आपकी रामायण और महाभारत है जाति का विनाश, आपके लिए रामायण और महाभारत है अंबेडकर, फूले, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, ललई की सच्ची रामायण पढ़ो, पेरियार को पढ़ो। ये नहीं करने दिया गया, इसलिए देश
आज भी आगे नहीं बढ़ रहा है, समतावादी देश नहीं है, अंबेडकर के सपनों का, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के सपनों से बाहर खड़ा हुआ है। देश के साथ न्याय करेंगे इस देश का सब। ये केवल अंबेडकर का नुकसान नहीं है कि आपने एक इतने बड़े समाजशास्त्री को, इतने बड़े राजनेता को, इतने बड़े चिंतक को, विचारक को केवल आपने आरक्षण और संविधान तक सीमित कर दिया। ये देश का नुकसान है, ये देश की विडंबनाओं का नुकसान है। और एक आखिरी बात जिससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आपको वाकई लगता है कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और जो सवर्ण तबके के लोग हैं उनके लिए भी एक बात है कि क्या इस देश में इस बात का मूल्यांकन अब नहीं होना चाहिए कि अंबेडकर की लेखनी इस बात को इशारा करती है कि वो आंकड़े बताते हैं। क्रिस्टोफर को जब आप पढ़ेंगे तो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि बहुत थोड़ी सी 3% आबादी ब्राह्मणों की, 3-4% आबादी राजपूत और ठाकुरों की, 3-4% और मिला लीजिए तो पूरे अपर कास्ट है, 14% के आसपास सवर्ण तबका है। आज पूंजीपति सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज प्रोफेसर सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज जज और वकील सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, मीडिया में कौन से तबके के लोग बैठे हैं। तो ये जो 13-14% अपर कास्ट है ये 90-95% जगह को अभी भी कब्जा किए हुए। तो आप अंबेडकर को केवल अंबेडकर जयंती पर याद करते हैं, आप अंबेडकर के नाम पर 4 पोस्ट लिख देते हैं और पूरे साल आप दक्षिणपंथी विचारधारा के तरीके से आरक्षण के विरोध करने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हिमायती बन करके, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना करके आरक्षण को आप बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए बहुत प्रसिद्ध वाक्य अंबेडकर का है कि मैंने बड़ी मुश्किल से यह कारवा यहां तक पहुंचाया है, इसे आगे बढ़ाना, और अगर इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसे वहीं छोड़ देना जहां पर मैं पहुंचाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना। हमें याद करना चाहिए अंबेडकर को, हम अंबेडकर के कारवा को आगे तो नहीं पीछे जरूर ले जा रहे। सर थॉट में कहते हैं गोलवलकर कि एकता की बड़ा बात के लिए जातियां तो आपस में बांटती हैं, जाति के नाम पर इंटरव्यू में नंबर कम दोगे तुम, जाति के नाम पर न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका, हर जगह किसी को आने नहीं दोगे और थाली में बैठकर खाओगे, अधिकार नहीं दोगे। उन्हें वो दलित बड़ा प्यारा है जो मीठी मीठी बात करके समरसता की बात करे। राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति पहले भी बनाए गए, आज भी बनाए गए। वो दलित, वो ओबीसी उनको हमेशा चुभेगा जो हक हुकूक की बात करेगा, जो लोहिया फूले, पेरियार, अंबेडकर और बिरसा मुंडा की बात करेगा, सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख की बात करेगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप अपने समाज को क्या देना चाह रहे हैं। तो व्यक्ति पूजा अंबेडकर भी नहीं चाहते थे, व्यक्ति पूजा आप भी न करिए, लड़िए, बड़ी एका बनाइए। जिस एका का ख्वाब अंबेडकर 1956 में देख रहे थे, लोहिया को पत्र लिख रहे थे, समाजवादियों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की और मजदूरों और किसानों की, जिस एका की ख्वाब को अंबेडकर ने अपने आखिरी दिनों में देखा था, उस ख्वाब को हमें पूरा करना होगा। यही सांप्रदायिकता का जवाब है, यही पैट्रियार्की का जवाब है, यही इस राष्ट्र को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने का जवाब है, रास्ता है। संवैधानिक लोकतंत्र को, संवैधानिक सत्ता प्रतिष्ठानों को और नागरिक अधिकारों को बचाने का यही जरिया है कि वंचितों, शोषितों की, 85% आम आवाम की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की एक बड़ी एका बनाई जाए, तब हम इस पूरी लड़ाई को लड़ पाएंगे। एक बार फिर से अंबेडकर को याद करते हुए उनकी जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम।